तीन तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा। प्रदेश उपचुनाव की 28 सीटों में से अगर बात करें तो डबरा विधानसभा सीट सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है और डबरा विधानसभा सीट को लेकर जिस कार से यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी जो वापस ली है उससे कितना फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एन वक्त पर उपचुनाव के ठीक वोटिंग के पहले जिस कार का माहौल बना हुआ है और इससे कितना फर्क इस सीट पर बनने वाला है और यहाँ के आंकड़े क्या रहे हैं, सारे आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान से जिस प्रकार के यहाँ पर शब्द निकले उसके बाद जनता किस प्रकार का रिप्लाई दे रही है, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार की खबर चल रही है उससे अब क्या कुछ होने वाला है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट डबरा विधानसभा सीट के लिए। हालांकि कांग्रेस ने तो तंज कस दिया है कि सिंधिया जी मध्य प्रदेश की जनता विश्वास दिलाती है 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला ही बटन दबेगा। मेरी डबरा की जनता, मेरी जानदार और शानदार जनता, मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन को बोरी बिस्तर बांध के हम यहाँ से रवाना करेंगे। मेरे भाइयों, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर ये संकल्प लो कि डबरा की प्रगति और डबरा की विकास के लिए कमल का फूल शिवराज सिंह चौहान जी, नरोत्तम मिश्रा जी, ज्योतिराज सिंधिया और इमरती देवी जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। और लेकिन डबरा विधानसभा सीट की जनता तय करेगी कि आखिर किसका पलड़ा भारी होगा, कांग्रेस या बीजेपी, यहां से कौन जीतने वाली है। हालांकि यहां पर रहें तो डबरा विधानसभा सीट पर दल बदल देखने को मिला है और इसका सियासी गणित क्या कहता है, सियासी आंकड़े यहां पर क्या निकल कर सामने आते हैं और डबरा विधानसभा सीट को लेकर जो है लगातार यहां पर बड़े बयान भी सामने आए हैं। कमलनाथ यहां पर जिस प्रकार से बयानबाजी की, इसके बाद इमरती देवी ने भी बयानबाजी की, इसके बाद दोनों को यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से यहां पर चुनाव प्रचारक से हटा दिया गया है, ये बड़ी खबर यहां पर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन डबरा विधानसभा सीट का सियासी गणित क्या कहता है और अब यहां पर क्या कुछ होने वाला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान से जिस प्रकार से शब्द निकले, हालांकि उन्होंने बाद में अपने शब्द जो है वो संभाल भी लिए, लेकिन सियासी गणित यहां पर है कि कांग्रेस का यहां पर 6 बार जीती है यहां पर, लेकिन इमरती देवी या बीजेपी में आ चुकी हैं, बड़ी कैंडिडेट थी, लेकिन अब क्या कुछ होने वाला है। और यहां पर भाजपा की बात की तो 4 बार बीजेपी ने भी डबरा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि डबरा विधानसभा सीट जो है कांटे की टक्कर यहां पर होने वाली है, लेकिन जनता यहां पर तय करेगी। लेकिन जिस कार से एन वक्त पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक बड़ी गलती मान सकते हैं इसको कि वो गलती हुई है, इसका कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है इसका आने वाले वक्त में ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी।